इधर सागर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिग आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सहेलियों के साथ नदी में नाबालिग नहाने गई थी, नाबालिग लड़की को जबरदस्ती यहां से ये आरोपी उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खुरई देहात दाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और इस घटना के साथ ही एक बार फिर से वही सवाल कि मध्य प्रदेश में क्या आखिर बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से ये खबर सामने आई है, सागर के खुरई थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया। शैलेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इस घटना के साथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार शर्मसार हो चुका है और सवाल एक बार फिर से वही कि आखिर बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है इस प्रदेश में। जी मैं सागर से शिवम बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खुरई देहात थाना की एक घटना है, जहाँ पर एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। नदी पर नहाने के लिए रविवार के दिन नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, तब रास्ते से दोनों युवक नाबालिग बताए गए हैं। 16 वर्षीय दोनों युवकों की उम्र है। दो युवक उसको जबरदस्ती पकड़कर झाड़ियों के पास ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का अपराध किया है। जैसे ही पीड़िता उनके चंगुल से छूटी, सीधा अपने परिजनों के पास गई, पूरी घटना उसने बताई है। परिजनों ने पीड़िता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस ने अभी दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सागर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना जो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि अपनी सहेलियों के साथ ही नाबालिग पहुंची थी, लेकिन दो नाबालिगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और आसपास ही वो नाबालिग रहते थे। सबसे बड़ी बात ये कि आरोपियों को हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन अपराध पर नकेल आखिर पुलिस कब कसेगी, ये सबसे बड़ा सवाल।